डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ और आईएएस अफसर रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को कड़ी फटकार लगाई थी, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल जमीन अधिग्रहण के एक मामले में नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी पर अवमानना की कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके खिलाफ रितु माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। कल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज आईएएस रितु माहेश्वरी याचिका स्वीकार करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, साथ ही याचिका पर सुनवाई का फैसला भी किया है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं की गई। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई एनवी रमना ने कहा था कि आईएएस अधिकारी है, आपको नियम पता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर रोज हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है या दिनचर्या हो गई है, हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है या क्या है। शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया था कि वह 10:30 बजे उड़ान भरेंगी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जानबूझकर 10:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट ले रही हैं। यह अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कस्टडी नगरत के अंदर पेश होने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।